आपका क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस टू वाई जेड बाई एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। मीन्स आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो हमारा कैसे आएगा आप देखो, जस्ट पुट अ ब्रैकेट, ये यहां से यहां तक एंड बाई वाला यहां से यहां तक इनटू। ठीक है, तो जब आप ये दोनों को करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। आपको क्या करना है, पहले तो वेरिएबल्स चेक करना है। तो वेरिएबल्स आर एक्स वाई एंड जेड, डिफरेंट वेरिएबल्स। यहां पर एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एक्स जेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू, वाई जेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यहां पर एक्स वाई एंड जेड। दैट मीन्स वी आर हैविंग थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जस्ट जो एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी वेरिएबल को दूसरे सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों अलग अलग बॉक्स में। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स क्यूब। दैट मीन्स आपका पावर है क्यूब। थ्री वेरिएबल्स एंड इन टर्म्स ऑफ क्यूब हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, आई विल राइट ऑन द बोर्ड, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, माइनस थ्री ए बी एंड सी, दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस, सॉरी नॉट एक्स, ए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। एंड सेकेंड ब्रैकेट के अंदर है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट ए बी एंड सी, क्योंकि ये पूरा आइडेंटिटी हमारी किसमें है, ए बी एंड सी में। तो हमारा ए क्या है, वॉट इज ए बी एंड सी। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को जस्ट देखो, यहां पर तीन है, यहां पर चेक कर लो। तो ए इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट दैट इज एक्स। व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू माइनस टू वाई इंक्लूडिंग साइन माइनस टू वाई। एंड व्हाट इज सी, सी इज इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये हमारा कुछ इस टाइप के फॉर्म में है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा देखते हैं, आर एच एस, ओनली आर एच एस, नॉट एल एच एस। तो आर एच एस में पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा ए इज एक्स, एक्स माइनस टू वाई इज बी, एंड सी इज माइनस जेड, एंड ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज माइनस टू वाई होल स्क्वायर, माइनस टू वाई होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज माइनस जेड, माइनस जेड होल स्क्वायर। क्या है, माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए इज एक्स एंड बी इज माइनस टू वाई, माइनस टू वाई। ठीक है, माइनस बी सी, तो हमारा क्या है, बी इज माइनस टू वाई, माइनस टू वाई एंड
सी इज माइनस जेड, माइनस सी ए, सी इज माइनस जेड, माइनस जेड एंड ए इज एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जस्ट चेक करो, आपका आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड एंड सेकेंड में एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस टू एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस टू वाई जेड, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स जेड। ठीक है, आप देखोगे दिस इज इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस टू वाई जेड सेम है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर विल बी इन टर्म, यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस यू हैव टू राइट। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट मीन्स एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। नेक्स्ट इज प्लस बी क्यूब इज माइनस टू वाई होल क्यूब, माइनस टू वाई होल क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस जेड होल क्यूब, माइनस थ्री इंटू ए इज एक्स इंटू बी इज माइनस टू वाई एंड सी इज माइनस जेड। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, एक्स क्यूब माइनस क्यूब इज माइनस टू क्यूब इज एट वाई क्यूब, माइनस जेड क्यूब। नेक्स्ट आप यहां पर देखोगे क्या है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। नेक्स्ट थ्री इंटू टू इज सिक्स, एक्स वाई एंड जेड, दिस इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस आंसर।